Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. How is your Sunday going? I hope बहुत अच्छा चल रहा होगा. अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और bell icon को hit कर लीजिए ताकि आपको updates मिल जाएं. तो guys, आज का ये video थोड़ा सा important इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये lighter लिया, ये थोड़ा heavy नहीं है, या फिर कौन सा lighter सबसे अच्छा है, या कौन सा value for money है. तो guys, मैं आज आपको ये क्लैरिफिकेशन करने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है कि फोटोग्राफ में हमें दिखता कुछ और है और हमने डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ा नहीं होता, हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा होता है और हमको मिल कुछ और आता है जिसमें हमारी गलती नहीं है जबकि हमने कई बार उसको क्लैरिफाई कर रखा है. तो आज मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ जो है इन्फॉर्म कर दूँ, आप लोगों को सब कुछ बता दूँ ताकि आपके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, मिसकंसेप्शन ना रहे. देखो, संडे के सुबह सुबह काम करने का यही नतीजा है. तो गाइस, दिस इज अ मॉडल जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए डिमांड में है और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसी गन के साथ होती है. अब आपको लगेगा कि यार सबसे ज़्यादा डिमांड में ही है तो डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है गाइस, क्योंकि बरेटा जो है सबसे अच्छी लुक की गन है, सबसे ज़्यादा प्यारा गन है डिज़ाइन के अंदर. ये दिखता बहुत प्यारा है, बहुत से पंजाबी गानों में इसका इस्तेमाल किया गया सेम मॉडल का, बहुत से वीडियोज़ में इसका इस्तेमाल किया गया, इवन कुछ इनफैक्ट फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है. ये दिखता अच्छा है बट अगर आप इसको हाथ में लेंगे तो ये काफ़ी हल्का लगता है. साइज़ के अनुसार ये काफ़ी हल्का है और तो आप गए तो आप सोचते यार नहीं यार ये बात बनी नहीं. दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही पड़ता है. क्यों होता क्या है, जब हम गन कोई प्रिक्योर करते हैं तो 10 गन अगर समझ लो हम इसे खरीदते हैं या मंगवाते हैं तो 6 गन ही हमारे पास काम का होता है, 4 जो है वो या तो टूटा होता है या ख़राब होता है. तो ये थोड़ा सा हमारे डिफिकल्ट होता है, तभी ये हमें एक्सपेंसिव रखना पड़ता है, वरना जितना ये हल्का है हम इसे सस्ता रखते. तो ये है गाइस, ये गन्स जो आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके. अब जबकि मैंने थोड़ा आपको सबसे खराब बताया, सबसे अच्छा हमें से गन कौन सी है या सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेम प्राइस में आप ये दोनों गन ले सकते हो और आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस टू गन्स. ये दोनों सिल्वर में है, यू नो, और ये जो है बहुत दिनों तक हमारा बेस्ट सेलर रहा था और हमारा चॉइस रहा था. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये काफ़ी हैवी हाथ में यू नो फील करता है. काफ़ी हैवी से मतलब असली की तरह हैवी मैं नहीं कह रहा हूँ, लाइटर के मैं बात कर रहा हूँ, लाइटर के मुकाबले काफ़ी हैवी होता है. ये अलॉय मेटल का है और हाल ही में ये भी आया हुआ है, ये सीजेड है और ये जो है वो 608 है. ये दोनों काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सॉलिड है. अगर मुझसे पूछा जाए कि इन सब में से वैल्यू फॉर मनी क्या है तो मैं बोलूँगा ये दो, सीजेड और 608. आई थिंक आजकल सीजेड का ज़्यादा पड़ना भारी है तो, और इन दोनों में से खराबी बहुत कम होता है, मतलब इन चांद मेरे हाथ से गिर भी गया अगर मैं इसको रफ यूज़ भी करता हूँ तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता है. एंड दिस आर गुड, यू नो, आप इसको लाइटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बट आई डोंट रिकमेंड लाइटर की तरह इस्तेमाल करिए. मैं तो कहता हूँ वीडियो बनाइए, इससे फोटोशूट करिए, यू नो. मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये गन्स जो है गन्स की तरह इस्तेमाल किए जाए ना कि लाइटर. अब बात करते हैं रिवॉल्वर में गाइस. हमारे पास रिवॉल्वर में जनरली जो है वो तीन तरह के गन्स हैं. दिस इज वन पाइथन, एक ये नॉर्मल पाइथन है, ये पाइथन 357 है, ये पाइथन है और ये पाइथन कॉम्पैक्ट है. इसके बाद ये बहुत ही कूल सेक्सी सा कवर आता है. इस गन की खासियत ये है कि बहुत सस्ता है ना, ये 1000 रुपये से भी कम है और ये कवर आता है, कवर के बाद ये बहुत कूल लगता है. अगर आप इसको बेल्ट में लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखेगा और किचन की तरह इस्तेमाल करिए, जैसे भी आपको इस्तेमाल करना करिए. इसकी अच्छी बात ये सस्ता है, इसका लुक काफ़ी अच्छा है, यू नो, तो और ये कॉम्पैक्ट है तो मैं इसे सिर्फ इसलिए आपको यू नो सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत सस्ता है. इन दोनों में से कुछ लोगों को हैवी गन्स बड़ी गन पसंद है, जिनको बड़ी गन पसंद है उसको पाइथन ये पसंद आएगा. रिवॉल्वर में देखा है सबसे अच्छा हमारा ये आता है बट ये थोड़ा सा यू नो पता नहीं क्यों मुझे ये बड़ी गन्स पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको पसंद नहीं करता हूँ बट क्लाइंट में हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स इसी का आता है और ये पाइथन में रिवॉल्वर है. आई डोंट नो ये क्लाइंट को क्यों उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मैं बहुत फ्रैंक और बहुत ऑनेस्ट बताने वाला हूँ, ये इतना ज़्यादा इसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मतलब यू नो. तो ये है पाइथन बट कुछ लोगों को ये काफ़ी पसंद है, दैट्स व्हाई वी रिकमेंड दिस. अब बात करते हैं वॉल्थर, ये जो गन है बहुत प्यारा है गाइस, पीपी के वॉल्थर पीपी के का मॉडल है. इनफैक्ट ये सबसे अच्छा है, यू नो, हैवी में, मतलब इन दोनों से नहीं, मतलब अगर मिडिल में बोला जाए इसके और इसके जाए तो ये गन है. ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी कूल है, डिज़ाइन भी इसका पीपी की तरह का है बट इसमें सिर्फ एक जो नुकसान जिसे आप कहते हैं वो ये है कि ये इसका मूव नहीं करता, ये इसका मूव नहीं करता. तो दिस आर सॉलिड,
सॉलिड बनाने के चक्कर में इसका ये सब चीज़ें फिक्स कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दिस इज वरना इसके ऊपर वॉल्थर वॉकर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ है, तो यू नो वीडियोज़ के लिए काफ़ी परफेक्ट है। अब बात करते हैं गाइस बरेटा में। बरेटा में ये जो है इसका कॉपी है, बट ये छोटा है, इसको कॉम्पैक्ट कहते हैं। इसके बाद भी वही बात है कि ये सस्ता है, इसलिए ये अच्छा है। अब ये गन जो है ना गाइस, ये आई थिंक जिसने भी बनाया है पता नहीं क्यों बनाया है ये गन, अगर साइज में बड़ा होता ना गाइस, इतना बड़ा होता तो यूं 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 लोग खरीदते या यूं 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 हम इसको मार्केट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसको मार्केट कम करते हैं। इसका डिज़ाइन अच्छा है, बट इसका जो साइज है छोटा है, मतलब ये राइफल की तरह डिज़ाइन है और राइफल की जितना है बड़ा नहीं, ये सिर्फ पिस्टल से थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर इसका साइज डबल होता ना गाइस तो मज़ा आ जाता, बट कुछ लोग कलेक्शन के लिए इसको रखते हैं। इट लुक्स नाइस, इसको स्टैंड स्टैंड आता है इसका, तो आप उसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीक में गाइस। एंटीक डिज़ाइन में जो है तीन गन्स है हमारे पास, एक ये और ये जो है वर्ल्ड वॉर टाइम का, इसे एंटीक तो नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड वॉर टाइम का है ये। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये साइन बहुत अच्छा करता है, यू नो ये पूरा डिज़ाइन वुड वुड का है, काफ़ी प्यारा लगता है। इसका ड्रॉबैक ये है, ये इसकी तरह ही हल्का है, ये हल्का है बट डिज़ाइन अच्छा है, तो लोग इसको डिज़ाइन के लिए खरीदते हैं। और ये जो है ये हैवी है, ये ऑलमोस्ट मेटल ही फील होता है, और ये मेटल जैसा ही है, ये मैं कहता हूँ ये अलॉय मेटल ही है, बट एज यू कैन सी ये छोटा है, तो मतलब यू नो ये राइफल डिज़ाइन में होता थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता। और सेम इसका ही है, ये भी अच्छा है बट साइज़ में थोड़ा बड़ा होता, पिस्टल साइज के साइज में थोड़ा और बड़ा होता तो मुझे ज़्यादा पसंद था। तो गाइस ये है बेसिकली ऑनेस्ट सी बातें। अगर आप मुझे वैल्यू फॉर मनी बोलेंगे बहुत अच्छा है, यू नो जिसको मैं 10 में से 9 दूंगा तो वो होगा ये और ये। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि इसको तो मैं इसको 10 में से 4 नंबर देने वाला हूँ, इसको मैं 10 में से 6 दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ाइन, इसको मैं 10 में से 5 दूंगा, इन दोनों को प्राइस के मामले में मैं 10 में से 8 दूंगा, और क्वालिटी के मामले में मैं 4-5 दूंगा। सेम है गाइस ये, इसको भी मैं 5 दूंगा, ये बिल्ड क्वालिटी के लिए इसको मैं 7 दूंगा। तो ये है गाइस, इन सब के बारे में मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को यू नो किसी भी धोखे में रखना नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई मिसकंसेप्शन हो तो वीडियो देख लिया करो यार, कुछ पूछना हो तो पूछ लिया कीजिए। आई रियली डोंट वॉन्ट टू यू नो मिसगाइड यू। तो ये है गाइस है ना, अच्छी गन्स ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। बाकी दिखने के लिए, डिज़ाइन वगैरह के लिए, शूट वगैरह के लिए ये सब अच्छी हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी अपनी गन्स होती हैं गाइस। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स में यू नो बता दीजिएगा। खरीदने के लिए गाइस वेबसाइट पर जाइए airsoftgunindia.com में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए ऑर्डर प्लेस करिए। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आप उसके अंदर मेल कर दीजिएगा रिप्लाई, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उससे लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। हम पेटीएम भी एक्सेप्ट करते हैं, बैंक ट्रांसफर तो है ही गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव फन।